अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से राजस्थान प्रदेश के 45,000 गांवों में विचार क्रांति का संदेश देने के लिए इसी साल सितंबर माह में 2026 तक शक्ति कलश यात्रा निकाली जाएगी। शांति कुंज हरिद्वार से 13 रथ सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में पुष्कर आएंगे और फिर अलग अलग जिलों के लिए रवाना होंगे। इस आशय का निर्णय मंगलवार को गायत्री शक्ति पीठ ब्रह्मपुरी में आयोजित जयपुर उपजोन की बैठक में लिया गया। वेद माता माँ गायत्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भगवती देवी शर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई संगोष्ठी में जयपुर, टोंक, सीकर, नीमका थाना जिलों से 300 से ज्यादा गायत्री परिजन शामिल हुए। जिला समन्वयकों ने अपने जिले में शक्ति कलश यात्रा से जुड़ी तैयारी से अवगत कराया। मुख्य अतिथि शांति कुंज हरिद्वार से आए गौरीशंकर सैनी ने कहा कि जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां ज्योति कलश पहुंचेगा। यात्रा के माध्यम से जन जन तक गुरुसत्ता के विचारों को पहुंचा सकते हैं। यह बड़ी योजना है, इसलिए बड़ा सोचना होगा, लक्ष्य तय कर योजना बनाना है और उसे क्रियान्वयन करना है। छब्बीस में परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म हुआ और आज दो साल बाद में 2026 आने वाला है। परम वंदनीय माता जी को 100 साल पूरे होने वाले हैं। एक अखंड दीपक 1926 में जब परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष की आयु के रहे होंगे अपने गांव आवलखेड़ा में और 4 बजे सुबह वो पूजा कर रहे थे, उसी समय हिमालय की ऋषि सत्ताओं ने अखंड दीपक उनको दिया और उनसे ये कहा कि इस दीपक के सामने आपको 24 महापुरुष चरण पूरे करने हैं। एक महापुरुष चरण में 24 लाख गायत्री का मंत्र और ये निरंतर 24 साल तक चलेगा। दूसरा उनसे ये भी कहा कि आपको कुछ अनुशासनों का पालन करना है, जो कि रोटी और छाछ ही निरंतर 24 साल तक लेना है और जो भी वो लेना है जो गाय को खिलाएंगे और गाय के गोबर में से जो आएगा वो संस्कारित अन्न होगा, उस संस्कारित अन्न को धोना है, सुखाना है और पीसना है और उसकी रोटी बना करके खाना है। ये दूसरा अखंड दीपक का हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जो कहते हैं कि उन्होंने साधना जो स्वीकार की बसंत पर्व के दिन, वो 1926 का ही दिन था, तो उनको भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस तरह से 3 शताब्दियाँ एक तरह से 1926 को आकर के मिल रही हैं। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाने का पूरे विश्व में अभियान चलाया जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमको अब उनकी शक्ति को, उनकी चेतना को, उनकी सामर्थ्य को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो रथ ज्योति कलश यात्रा के रूप में शांति कुंज से विधिवत पूजन होकर के 7, 8, 9 सितंबर को हमारे परिजन राजस्थान के जाएंगे, लगभग 700 से 800। उनके सामने एक वर्कशॉप की जाएगी, 3 दिन का कार्यक्रम है और यहाँ से 13 कलश वो लेके जाएंगे, क्योंकि राजस्थान को 13 उपजोन में बांटा गया है, जिसमें जिस जगह हम खड़े हैं वो जयपुर उपजोन है और उसके नीचे 5 जिले हैं। ऐसे 13 उपजोन हैं, 13 उपजोन के हमारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे और उन कलशों का विधिवत पूजन किया जाएगा। परम वंदनीय जी श्रद्धा सैल जी और श्रद्धा डॉक्टर साहब उसका पूजन करेंगे और जहाँ गुरुदेव और माता जी ने अखंड जप किया था, तपस्या की थी, लोगों से मिलते थे, उस कक्ष में उस कलश को रखा जाएगा, जिससे कि उनकी ज्योति, उनका प्रकाश, उनकी शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाए। वो जो ज्योति कलश है वहाँ से परिजन लेकर के शांति कुंज में एक समाधि स्थल है, जहाँ शरीर छोड़ने के बाद में गुरुदेव ने ये कहा था कि जैसे मैं शरीर छोड़ूंगा, मैं शरीर छोड़ते ही तुरंत इस समाधि में समा जाऊँगा। वहाँ भी आज गुरुदेव निवास करते हैं और उन्होंने कहा है कि जो किसी को भी कभी भी ज़रूरत हो और कोई भी कोई बात मुझे कहनी हो तो इस समाधि स्थल पर मुझसे कह सकते हैं।
उसी समाधि स्थल पे भी पूरे 24 घंटे अखंड जो ज्योति कलश है उसको रखा जाएगा। वहीं पे लोगों की मीटिंग होने के बाद मैं उनको समझा करके रथ तैयार करके और वहाँ से 9 सितंबर को रवाना किया जाएगा। ये शक्ति कलश सीधा वहाँ से चलकर पुष्कर आएगा। पुष्कर में हमारा सेंटर है, पूरे राजस्थान का आंचलिक ग्रामीण सेंटर है। उस सेंटर में परम पूज्य गुरुदेव 5 दिन रुके थे, 5 दिन रुक करके इसकी स्थापना की थी और उनका वो कक्ष बना हुआ है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, उस कक्ष में उन ज्योति कलशों को रखा जाएगा। वहाँ से विधिवत रूप से जब नवरात्र आरंभ होगा, पूरे प्रांत के 13 उपजोन के हमारे कार्यकर्ता आएंगे रथ सहित और आकर के उस ज्योति कलश को लेके जाएंगे। और इससे पहले सब जगह हम पूरी प्लानिंग करवा चुके हैं कि हमारा जिला है, उपजोन है, उपजोन के जिले हैं, जिले के बाद में हमारे तहसीलें हैं, तहसीले में ग्राम कितने हैं, उन सब की हमने प्लानिंग करवा दी है। गांव में कौन मिलेगा, तहसील में उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कौन कौन क्या क्या कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम सारे उनको विधिवत समझा दिए गए हैं। तो ज्योति कलश यात्रा वहाँ से सार आरंभ होगी और हमारा लक्ष्य यह है कि प्रत्येक घर तक, राजस्थान के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक मोहल्ले तक, जन जन तक इस अभियान को हमको लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? दो चीज़ें मनुष्य के जीवन में आवश्यक हैं। आज मनुष्य भट गया है, मानवता पीड़ित है। इस दोनों को दूर करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो सद्ज्ञान की आवश्यकता है और एक सत्कर्म करने की आवश्यकता है। ज्ञान किसी को है ही नहीं, अज्ञान में सब पड़े हुए हैं, मूर्खता की बातें करते हैं। तो सद्ज्ञान कौन देगा? हमारा गायत्री मंत्र है, वो सद्ज्ञान देगा। गायत्री मंत्र कहा गया है कि सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारे अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो सन्मार्ग हम प्रेरित करने वाले हैं, इसके लिए इस अभियान को प्रत्येक गांव तक लेके जाएंगे इस ज्योति कलश यात्रा के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम गौरी शंकर सैनी है और मैं शांतिकुंज में 30 साल से रहता हूँ। अभी वैसे मैं रहने वाला सीकर श्री माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और वहाँ पर निर्माण विभाग देखते हुए मुझे 30 साल हो गए और इसी बीच 3 साल से मेरी जोन में भी, प्रांत में भी ड्यूटी लगी हुई थी देखने की, और अभी 2-3 महीने से ही मेरा ट्रांसफ़र होकर के राजस्थान प्रांत का एक समन्वय कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया गया और इसी काम को देखने के लिए आए हुए। धन्यवाद।